हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज़ तस्लीम. और आज का ये जो वीडियो है वो एक डाउट क्लियरिंग सेशन वीडियो है, जिसमें आपने मुझसे जो लास्ट वीडियोस में जो आपकी डाउट्स पूछी थी, आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे, उन सब के आंसर मैं बताने जा रही हूँ. तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था कि फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट के बारे में, तो उसमें मुझे इतने सारे कॉमेंट्स आए थे कि अगर हमें कैबिन क्रू बनना है या फिर ग्राउंड स्टाफ बनना है तो क्या ये ज़रूरी है कि हम लोग फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें? क्या कोई भी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके बिना भी हम लोग कैबिन क्रू बन सकते हैं? तो ये जितने भी आपके डाउट्स थे इस वीडियो में आपके मैं क्लियर करने जा रही हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं या फिर आप ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हैं, और अब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिलती है अगर आपके पास फ्रैंकफिन का या फिर कोई और जो इंस्टीट्यूट है उनका डिप्लोमा हो. तो जो एयरलाइंस के जो रिक्रूटर्स हैं वो आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके टैलेंट, आपके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स, आपकी पर्सनालिटी को देखकर आपको चूज करते हैं, ना कि आप ये देखकर कि आपके पास फ्रैंकफिन का डिप्लोमा है. और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वेल ग्रूम्ड हैं, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है और आपकी इंग्लिश पे और हिंदी लैंग्वेज पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाहिए. फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप खुद एक बार दो या फिर तीन इंटरव्यूज जाकर आप देखें. अगर आपको लगता है कि आप क्लियर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये इंटरव्यूज ईजी हैं, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इंस्टीट्यूट ना ज्वाइन करें. बिकॉज जब आप जितनी फीस आप फ्रैंकफिन जैसे या फिर और अदर इंस्टीट्यूट में आप जितनी फीस देते हैं, उससे उतनी ही फीस आपको तब देनी पड़ती है जब आप कैबिन क्रू बन जाते हैं. जैसे अगर आपने इंडिगो के साथ अपना इंटरव्यू दिया और अगर आपने इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया, तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए जितनी भी एयरलाइंस हैं, इंडिगो, स्पाइसजेट, ये आपसे कुछ अमाउंट ट्रेनिंग के आपसे रिफंडेबल अमाउंट आपसे आपको पे करनी पड़ती है उन इंस्टीट्यूट को. फॉर एग्जाम्पल जो इंडिगो है वो 50,000 या फिर 50 या 60 या फिर 1 लाख के अक्रॉस आपसे ट्रेनिंग फीस लेती हैं, जो रिफंडेबल है, आपको बाद में रिफंड हो जाती है. और अगर आपको एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, आपको इंटरव्यूज में क्या बोलना है, क्या करना है, अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो, तब आप कोई भी एविएशन इंडस्ट्री आप ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपके पेरेंट्स हैं वो जितना पैसा जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मांगते हैं उतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. बिकॉज जो ऐसा भी नहीं है कि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपको आपको आपके पैसा लूटते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है. वो भी आपके स्किल्स को पॉलिश ही करते हैं. आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा. आपको ये पता चलेगा कि आपको इंटरव्यूज में बोलना कैसे है, आपसे इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रैंकफिन या फ्रैंकफिन के जैसे जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपका पैसा लूटते हैं. आपको उनसे कुछ सीखने को ही मिलेगा. बट अगर आपकी सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी है, आप अच्छा खासा मेकअप कर लेते हैं, एंड अगर आप अच्छे से आपकी पकड़ है इंग्लिश हिंदी पे, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज एक या दो इंटरव्यूज खुद देकर देखिए. अगर आप रिजेक्ट होते हैं फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू में और फिर आपको लगता है कि नहीं आई कैन क्रैक इट, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको बार बार देना चाहिए, गिव अप कभी भी नहीं करना चाहिए. बिकॉज ऐसे भी बहुत सारे कैबिन क्रूज हैं जिन्होंने 5, 6, 10, 20 इंटरव्यूज में वो रिजेक्ट हुई हैं, बट लास्ट में जब उनमें वो इतनी ज्यादा पैशनेट हैं, वो उस चीज में लगी रहती हैं, कंटिन्यूसली गिव अप नहीं करती हैं, तो वो फाइनली कैबिन क्रू बन ही जाती हैं. तो मुझे ये भी कमेंट्स आए थे कि जो फ्रैंकफिन है वो आपको प्लेसमेंट्स कहाँ देते हैं फ्रैंकफिन. तो जो भी फ्रैंकफिन के जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, और फ्रैंकफिन एक फेमस इंस्टीट्यूट है, तो जो फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट है इसके काफी सारे एयरलाइंस के साथ टाई अप्स भी हैं. बट जब मैं फ्रैंकफिन में थी तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आपको एयर इंडिया या फिर इंडिगो या फिर स्पाइस जेट एयरलाइंस आपको हायर करने इंस्टीट्यूट में आई हूँ. बट जो फ्रैंकफिन है इनके टाई अप्स हैं, मैंने ऐसे सुना है. एंड गो एयर का जो ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू था वो हमारा फ्रैंकफिन में हुआ था, एंड काफी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी उसमें हुआ था. बट जो फ्रैंकफिन है मोस्टली वो आपको होटल्स में प्लेसमेंट्स देता है, ना कि एयरलाइंस में. बट आपको वो इतना अच्छे से ट्रेन करते हैं, आपको जितनी भी पीडी की क्लासेस, आपको ट्रैवल की क्लासेस, आपको इंटरव्यू स्किल्स की क्लासेस, आपको सारे क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जो आपको इंटरव्यूज क्रैक करने की आपको जिसमें जरूरत है. और लास्ट वीडियो में मुझे जोया खान का एक कमेंट आया था कि प्लीज मुझे बताइए कि जो कैबिन क्रूज हैं वो अपने बैग में क्या पैक करके लेके जाती हैं, एंड
काफी सारे क्वेश्चंस आए थे जोया खान के. सो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगी. एंड थैंक यू सो मच मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, मेरी सारी ऑडियंस को मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए. एंड अगर आपके कोई जेन्युइन क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं उन सबका रिप्लाई भी करती हूँ. एंड अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं कि हम लोग इंटरव्यूज कैसे देने जाएं, इंटरव्यू का प्लेस कैसे पता चले, इंटरव्यू की डेट कैसे पता चले, तो मैंने इस पर एक अलग भी वीडियो बनाया है कि एक एप्लीकेशन है मैप एविएशन करियर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो इसमें इस एप्लीकेशन में आपको जितनी भी वैकेंसीज होती हैं एविएशन इंडस्ट्री में, चाहे वो इंटरनेशनल एयरलाइंस की हो, चाहे वो डोमेस्टिक एयरलाइंस की हो, और जितनी भी आपकी फ्री कोर्सेज हैं, जितनी भी आपकी एविएशन से रिगार्डिंग जितना भी आपका जो आपको पता होना चाहिए, जो भी आपको चीज़ अपडेट्स हैं, वो आपको इस एप्लीकेशन पे आपको सब मिलती हैं. तो उस एप्लीकेशन पे मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है. और अगर आप एविएशन ड्रीमर हैं तो वो एप्लीकेशन आपके पास होनी ही चाहिए. तो फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड आई वुड रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.